हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल पे आपको बायो के टॉपिक्स एक्सप्लेन करती हूँ। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बायो का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का टॉपिक 18.3 सर्कुलेटरी पाथवे को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलेटरी पैटर्न दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन या फिर क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का इन विच ब्लड पम्प्ड बाई द हर्ट पासिस थ्रू द लार्ज वेसल्स इन टू ओपन स्पेसिस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड साइनस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थोपोड और मोलस्का के अंदर होता है, फाइलम आर्थोपोड और मोलस्का के अंदर होता है, जिसमें ब्लड जो है वो हर्ट से पम्प किया जाता है और पास होता है लार्ज वेसल्स में, लार्ज ओपन स्पेस में, जिसको कि साइनस कहा जाता है और बॉडी कैविटी भी कह सकते हैं उसको। एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा के पास और कॉर्डेट्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच ब्लड इज पम्प्ड बाय इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जिसमें कि ब्लड जो है वो हार्ट से पम्प होता है, लेकिन क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर वो फ्लो होते हैं, सर्कुलेट होते हैं पूरे बॉडी में। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। इस तरह का जो पैटर्न है जिसमें ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करता है, ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो है, फ्लूड का फ्लो है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होता है, रेगुलेशन होता है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हर्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मस्कुलर हर्ट होता है, और वो भी चैम्बर्ड हर्ट होता है। फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हर्ट विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। फिशेज के अंदर, मछली के अंदर दो चैम्बर्ड हर्ट होता है, जिसमें एक एट्रियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस एंड द रेपिटाइल्स। एम्फीबियंस और रेपिटाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। क्रोकोडाइल है तो रेपिटाइल, लेकिन उसके अंदर फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। ऐसे एम्फीबियन और रेपिटाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, जिसमें दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेज अ फोर चैम्बर्ड हर्ट विथ टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। जबकि क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, जिसमें दो एट्रिया होती है और दो वेंट्रिकल होता है। इन फिशेज द हर्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी। फिशेज के अंदर हर्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पम्प करता है, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर बॉडी को सप्लाई किया जाता है, बॉडी पार्ट्स को, फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हर्ट। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश के अंदर। इन एम्फीबियन एंड रेपिटाइल्स, एम्फीबियन और रेपिटाइल्स के अंदर द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन। एम्फीबियंस और रेपिटाइल्स के अंदर लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, आइदर गिल्स से, स्किन, लंग्स से और स्किन से, एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है अदर पार्ट ऑफ बॉडी से। हाउएवर दे गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प आउट मिक्सड ब्लड। लेकिन इन एम्फीबियन और रेपिटाइल्स में क्योंकि एक वेंट्रिकल होता है, तो राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आता है, तो वहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए एम्फीबिया में और रेपिटाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में रिसीव किया जाता है। रिस्पेक्टिवली पासेज ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, वो उसी साइड के वेंट्रिकल में पास किया जाता है। अगर इस तरह का हर्ट हम बनाएंगे तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, सॉरी दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल,
तो जो राइट एट्रियम है वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, सेम साइड में जाता है। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। और ये जो वेंट्रिकल हैं ये बिना मिक्सिंग के, बिकॉज बीच में ये बाउंड्री है तो इसमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के, तो बिना मिक्सिंग के ब्लड को पंप करता है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। बर्ड्स में और मैमल्स में दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। हेंस दिज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। इसलिए इन एनिमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, एव्स के अंदर यानी बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। लेटेस्ट स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो टॉपिक दूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन का जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए।